नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेयर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन लगभग हम पूरा पढ़ चुके हैं और इसी के अंतर्गत एक बिंदु लगा है जिसे शैक्षिक नवाचार कहते हैं। शैक्षिक नवाचार दोस्तों उसे कहते हैं जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को और बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के कार्यक्रम अपनाए गए हैं। जितने भी शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत नवीन आयाम अपनाए जाते हैं वे सभी शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के अंतर्गत शैक्षिक नवाचार से संबंधित जो सबसे उन्नत पहल है वो है ई गवर्नेंस यानी कि ई प्रशासन, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उपग्रह के रूप में बहुत बड़ी उन्नति हमने की है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे हम एजुसेट कहते हैं, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। वर्तमान में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों आकाशवाणी की, क्योंकि हमने शिक्षा के भारतवर्ष में प्रयास कर लिए हैं। इसके पश्चात हमने उपग्रह के रूप में भी शिक्षा में उन्नति पा ली है। अब हम बात करते हैं ज्ञानवाणी की, जो कि एक आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन है, FM स्टेशन है। ज्ञानवाणी दोस्तों देश के कुछ शहरों में संचालित एक शैक्षिक FM रेडियो स्टेशन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2003 में हो गई थी। 7 जुलाई वर्ष 2003 में इसका प्रथम प्रसारण किया गया था 4 बजे। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न प्रकार की जो स्थानीय भाषाएं हैं इसके अंतर्गत कार्यक्रम दिए जाते हैं। किंतु ध्यान रहे दोस्तों, इसके अंतर्गत सभी कार्यक्रम शिक्षा संबंधी ही होते हैं। दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय रेडियो चैनल है जो कई प्रकार की संस्थाओं के द्वारा और मीडियाओं की सहभागिता के द्वारा संचालित किया जाता है। सहभागी संस्थाओं में सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएँ, कई सारे मंत्रालय हैं जैसे कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा स्वयंसेवी संगठन सम्मिलित हैं। ज्ञानवाणी कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं जैसे NCERT है, राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय है या राज्य खुला विश्वविद्यालय है, इन सभी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये जो ज्ञानवाणी स्टेशन है दोस्तों, इसकी जो रेंज होती है यानी कि कहाँ तक ये पहुँचता है, यानी कि जिस भी शहर में ये लगा है उसके 60 किलोमीटर के दायरे में ये पहुँचता है। साथ ही इस सीमा के संबंधित पूरा शहर और आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रसारण का जो इसका माध्यम है, जैसा कि हमने बात की, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं होती है। ज्ञानवाणी जो है दोस्तों ये स्टीरियोफोनिक FM ट्रांसमीटरों का प्रयोग करती है आप तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। और प्रत्येक ज्ञानवाणी नोडल केंद्र जो है वो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका जो प्रसारण होता है दोस्तों ये 16 घंटे प्रतिदिन किया जाता है। ये 16 घंटे किस प्रकार विभाजित हैं, प्रातःकाल 6 बजे से 11 बजे तक और सायं दिन में 1 बजे से रात के 11 बजे तक संचालित किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन ज्ञानवाणी आकाशवाणी केंद्र से ये 16 घंटे प्रसारित किया जाता है। 40 शहरों में वर्तमान में ये प्रसारित है और ये जो फ्रिक्वेंसी है इसकी, यानी कि अगर हम ढूंढेंगे इसे तो 105.4 MHz पर आपको ज्ञानवाणी स्टेशन मिल जाएगा। ज्ञानवाणी चैनल की स्थापना का जो उद्देश्य है वो रेडियो के माध्यम से समाज का शैक्षिक और सामाजिक विकास करना है। समाज के जितने भी उपेक्षित और शारीरिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनका सशक्तिकरण इसका लक्ष्य है। यानी कि जो लोग कक्षा या किसी भी संस्थान में जाकर के अध्ययन नहीं कर सकते हैं उनको अध्ययन करवाना इसका उद्देश्य है। साथ ही कुछ ऐसा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाना ज्ञानवाणी चैनल का मुख्य उद्देश्य है। भारत में बहुत बड़ा समाज एक ऐसा है जो विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से दूर है। उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित, तकनीकी से संबंधित या किसी भी प्रकार के ज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाना ज्ञानवाणी का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, शिक्षा के अतिरिक्त ज्ञानवाणी पर अन्य विविध विषयों पर भी प्रसारण होते हैं, जैसे रोजगार के समाचार देना या करियर का निर्देशन करना, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहना या ग्रामीण विकास के विषय में, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्या उपयोग है उनका प्रसार करना आदि ज्ञानवाणी के उद्देश्य। इस प्रकार ज्ञानवाणी नाम के रेडियो चैनल का हमने आज अध्ययन किया जो कि 105.4 MHz पर मिलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।